लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम GTA 5 में एडवांस कार कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोई भी एडवांस कार इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनका नाम है पैक फाइल लिमिटेड एडजस्टर, हीप एडजस्टर और गेम कॉन्फिग। इन तीनों चीज़ों पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो जिसने नहीं देखी वो जाके देखे तो उसके बाद जाके अपनी वो गाड़ी का मोड इंस्टॉल कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोग अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लें, वहाँ पर लिखें GTA 5 मोड्स। लिखने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस होगा। तो ये पहली वेबसाइट है GTA 5 मोड्स की, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है GTA 5। बहुत तेज हो रहा है मोड्स के लिए, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है व्हीकल्स पर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडवांस है, कार है, बाइक है, SUV, ट्रक, बस, एयरक्राफ्ट, बोट, टैंक, APC वगैरह वगैरह सारा कुछ है। तो हम क्लिक करेंगे कार पे। कार पे क्लिक करने के बाद आपके पास वेरियंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे एस्टोन मार्टिन, ऑडी, बेंटली, BMW, बुगाटी, कैडिलैक, शेवरलेट, डॉज, सब सारी गाड़ियाँ जाती हैं। तो अब हम लोग एक मर्जी, हम जो सी मर्जी गाड़ी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको ये गाड़ी अच्छी लग रही है, ये गाड़ी अच्छी है, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने को नहीं, आप इस यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है मर्सिडीज बेंज है, तो यहाँ इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लो यहाँ पे, आप लोग यहाँ से मुझे उनसे मर्जी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई गाड़ी जो आपको पसंद लगे आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डाउनलोडिंग पे लगाते हैं, स्टार्ट डाउनलोड। तो ओके गाइस, हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो फाइल डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस फाइल को ओपन करें, फिर SP E500। तो आप अपना ओपन IV ओपन कर लें। मैंने ओपन कर लिया, तो आप हमें ग्रैंड थेफ्ट ऑटो भी विंडोज़ इस पर क्लिक करने के बाद आपका ओपन आई ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ओके, हमारा ओपन आई ओपन हो चुका है, तो हम खोलेंगे एडिट मोड, फिर हम जाएंगे मोड्स के फोल्डर में, फिर हम जाएंगे अपडेट X64 DLC packs में जाने के बाद आपने इस फाइल को ड्रैग करके अपनी मोड्स फोल्डर में ड्रैग कर देना है। E500 है, तो हम देख लेते हैं कि हमारी गाड़ी किस तरह की है। तो ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी कुछ इस तरह की है। तो इसको हम बाकी हम उसको गेम में जाके देखते हैं। इसको DLC packs में इंस्टॉल करने के बाद आप जाना है अपडेट, बाद दोबारा से मोड्स में जाना है, अपडेट RPF कॉमन डाटा, नीचे जाना है DLC ये है। तो इस पर आप साइड क्लिक करें और करें एडिट। करने के बाद आप नीचे आ जाएं और जहाँ हमने गाड़ी इंस्टॉल किया उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद अच्छे को फाइल ऊपर रेडमी पे क्लिक करें। रेडमी फाइल होगी हमारे पास एक 30 लाइन, ये लाइन को हमें कॉपी करना है, ये वाली Ctrl+C और आप जाते हैं ओपन IV, यहाँ पे क्लिक करके आप करना है एंटर, आगे आप Ctrl+V दबाकर इसको पेस्ट कर दें और सेव कर दें। सेव करने के बाद आप लोग अपनी GTA 5 को ओपन कर लें, आपकी गाड़ी इजीली इंस्टॉल हो चुकी है। जल्दी से हम अपने गेम को ओपन कर लेते हैं। तो चलो गाइस, हमारी गेम ओपन हो चुकी है। तो हम अपने मेन्यू की मदद से हम अपनी गाड़ियों का स्पॉन करेंगे। तो हम टैप करेंगे F8 व्हीकल ऑप्शन व्हीकल स्पॉनर, नीचे जाएंगे इनपुट मॉडल, जिस नेम से हमने अपनी गाड़ी को सेव किया था तो उसी नेम से हम अपनी गाड़ी को स्पॉन करेंगे। तो हमारी गाड़ी का नाम था E500 मर्सिडीज बेंज, तो हम लिखेंगे E500।
तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी सक्सेसफुली ओवर इंस्टॉल हो चुकी है बिना क्रैश के, बिना कुछ किए आराम से गाड़ी देख सकते हैं आप, मेरी गाड़ी आराम से हो चुकी है इंस्टॉल। तो आप लोग अपनी मर्जी कोई भी गाड़ी इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाथ बांध छोटे हाथ बांध सुनो एहतराम से गाना चखे लाख बार, हाथ बांध छोटे हाथ बांध नहीं पूरा गैंग मैं।